हेलो सुपर स्क्वाड एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है, मगर फिर भी मैंने भाइयों के लिए सोचा कि व्लॉग तो हमने बनाना ही है। तो अभी आज आप लोगों को लेके जा रहे हैं हम लोग निस्बत रोड। मैंने थोड़ा सा सामान लेना है निस्बत रोड से, अपने कैमरा इक्विपमेंट से रिलेटेड, थोड़ा मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड, और एक इंटरनेशनल ट्रिप भी आ रहा है उससे रिलेटेड। तो अभी चलते हैं निस्बत रोड अफ्रीका ट्विन पे। दानिश भी मेरे साथ होंगे ऑन द बैक सीट। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, खुद भी हेलमेट पहनते हैं, दानिश को भी पहनाते हैं, और चलते हैं जी निस्बत रोड की एक राइड के ऊपर। इस टाइम तकरीबन 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, तो वापसी आते तक शायद अंधेरा भी हो जाएगा और एक बड़ी मज़े की शहर की राइड भी हो जाएगी। तो लेट्स गो ऑन अ राइड सुपर स्क्वाड। चलें जी दानिश, लेट्स गो। यार आप या हेलमेट पहने या कैप पहने, ऐसे ना जाएं। फिर हेलमेट पहने, मेरे वाला हेलमेट निकालें कार में से। फ्यूल भी नहीं है तो अभी किसी जगह पे रुक के हमें इसमें फ्यूल भी डलवाना होगा। अब तो लाइट भी ऑन हो गई है फ्यूल की और फ्यूल इंडिकेटर भी ब्लिंक कर रहा है। ब्यूटीफुल यार, मरून इंटीरियर, बड़ा मशीन। बाइक पे लाहौर में ये बड़ा फ़ायदा है कि आप रश में कहीं स्टक नहीं होते, बस साइड इधर उधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे से निकल जाते हैं। फाइनली वी आर एट माल रोड। ये कैनाल रोड वाला सिग्नल आ गया। डीसीटी बाइक चला रहा हूँ ना तो 2-3 दफा जरा मेरा पाँव गया है गियर की तरफ और फिर याद आया कि भाई नीचे तो गियर है ही नहीं। इट्स अ डीसीटी। तो अच्छा, मैंने इक्विपमेंट क्या लेना है यार? एक तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी फ़िलहाल मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ अपने सोनी A7C के साथ, वो है सैमयंग 135 mm। MG क्यों बोला है मैंने? सैमयंग 135 mm f/1.8। तो अब मेरा प्लान ये है, क्योंकि मेरे एक दो इंटरनेशनल ट्रिप्स भी आ रहे हैं और यहाँ पे भी हमने फोटोग्राफी करनी होती है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं उसको ट्रेड इन कर दूँ और मैं ले लूँ सिग्मा 70-200 f/2.8। तो चलो, आपको थोड़ी सी ये है कि वेरिएशन भी मिल जाती है और 135 mm पे आप ज़रा स्टक होते हैं, आपको खुद ही आगे पीछे होना पड़ता है। तो अगर मुझे कोई अच्छी डील मिल गई तो मैं शायद ये आज कर लूँ। और दूसरा, मुझे चाहिए अपने फ़ोन के लिए एक ट्राईपॉड। वैसे तो मेरे पास इंस्टा वाला भी है, उसके ऊपर भी लग जाता है, मगर इंस्टा के ट्राईपॉड की जो लेग्स हैं वो इतनी वाइड नहीं है, तो उसको आप किसी भी जगह पे अगर वो सॉलिड और स्ट्रेट जगह ना हो तो वो नहीं रुकता, गिर जाता है। तो ये दो चीज़ें तो लाजमी लेनी है, उसके अलावा कोई चीज़ नज़र आ गई अच्छी तो ले लेंगे।
मॉल रोड बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। ये लेफ्ट साइड पे अभी हम जू क्रॉस कर रहे हैं, राइट साइड पे मेरे अलहमरा है, आर्ट काउंसिल, और ब्यूटीफुल प्लेस। अभी ये वापडा हाउस आ जाएगा, दिस वन। ये जू की एंट्रेंस है, ये वापडा हाउस, ब्यूटीफुल। अब मैं लेफ़्ट हो रहा हूँ इधर से निस्बत रोड की तरफ। यहाँ पे आपको अगर कोई एंटीक चीज़ें चाहिए होती हैं, पुरानी पुरानी रेडियोज़, पुराने टेप रिकॉर्डर, वीसीआर्स, वो भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। वैसे निस्बत रोड के ऊपर जो मार्केट है मेन, वो हमारी है कैमरा मार्केट, लाहौर की सबसे बड़ी। ये आपको ये निकॉन, कैनन, और अब ये बोर्ड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे सब, सोनी। ये सारी मेरी लेफ्ट और राइट पे ये मार्केट है। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे काम हो गया जी। निस्बत रोड पे बिल्लू भाई के पास हम आए थे, बिल्लू फोटोज़ पे। ये ट्राईपॉड लिया हमने फॉर आवर फोन, और इसके ऊपर एक माउंट है, वो दानिश के पास है बैग में। तो अभी निकलते हैं यहाँ से जी। जो आज सबसे मज़े की चीज़ हुई है वो ये है कि मैंने अपना फाइनली लेंस चेंज कर लिया है। मैं आपको पहले ही बताया, मैं सैमसंग 135mm f1.8 यूज़ कर रहा था, तो वो मैंने ट्रेड इन कर लिया है और मैंने ले लिया है 70 to 200 f2.8 फाइनली। सो आई गॉट अ गुड डील। हमारे मुल्तान के भाई हैं ख्वाजा अमीर हमज़ा, उन्होंने कॉल की थी यहाँ पे शॉप पे, और उन्होंने हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस दी, बहुत ज़बरदस्त प्राइस दी। तो आई एम हैप्पी, और इंशाल्लाह विल गेट पहले से भी अच्छी पिक्चर्स, पहले से भी अच्छी पिक्चर्स। सो स्क्वाड, थैंक यू सो मच आज का ये हमारा शॉपिंग व्लॉग देखने के लिए। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इस रोड के ऊपर इस टाइम मैं बाइक चला रहा हूँ, मॉल रोड से राइट होते ही ये मेरी लेफ्ट साइड पे जिम खाना चल रहा है, लाहौर जिम खाना। दिस इज़ द फर्स्ट प्लास्टिक रोड ऑफ पंजाब, जो प्लास्टिक के मटेरियल से बनाई गई थी। लाहौर इज सो क्राउडेड राइट नाउ, और टुडे इज़ वेंसडे, और इस टाइम शाम के 7 बज रहे हैं। ये कोई वीकेंड नहीं है, कोई फ्राइडे नाइट नहीं है, बहुत रश हो गया है। देखें, आप जितने मर्जी अंडरपास बना लें, जितने मर्जी फ्लाईओवर बना लें, जब तक आप अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं देते ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अंडरग्राउंड रेलवेज, मेट्रोज, इन एरियाज के अंदर रश ऐसे ही रहेगा। जाते हुए भी एक क्लासिक नजर आई, और आते हुए भी ब्यूटीफुल मर्सिडीज, जबरदस्त।